नमस्कार दोस्तों, आरसीसी क्लासेस प्लेटफॉर्म पे आप सभी दोस्तों का मैं एक बार फिर से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। ठीक है जी, तो कल का जो हमारा वीडियो था बहुत ही शानदार वीडियो था और आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया उसको, तो बहुत ही बहुत धन्यवाद आप सभी बच्चों को। हाँ जी, सभी बच्चों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ, काफ़ी बच्चे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, बहुत बढ़िया। तो आज हम उसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, यह भी हमारा ट्रिकी वीडियो होगा और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तरीके से मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगा। और आप बच्चे इसको देख रहे हैं तो पहले आप क्या करो, इस वीडियो को लाइक ठोक दो, पहले जाते ही लाइक ठोक दो ताकि आपको फिर डिस्टर्ब ना हो। ठीक है जी, तो आज हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, राजस्थान की संभागीय व्यवस्था। ठीक है जी, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा यही रहेगा, राजस्थान की संभागीय जो व्यवस्था है उसके बारे में आज डिटेल से बात करने वाले हैं। ठीक है जी, तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारी संभागीय व्यवस्था है ये प्रारंभ कब हुई थी। ठीक है जी, तो बात करते हैं इनकी प्रारंभ की। प्रारंभ तो ये कब प्रारंभ हुई थी उसके बारे में बात की करते हैं। तो ये प्रारंभ हुआ था 1949 में। कब चालू हुई थी? 1949 में। हाँ जी, ये चालू हुई थी। हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ जी, अब देखो ये चालू हुई थी इस समय कितने संभाग थे बताओ, आपको पता है तो संभाग थे कितने थे भाई? तो 5 संभाग थे, याद रखिएगा आप। 1949 में संभागों की संख्या कितनी थी? 5 थी। तो उस समय कितने संभाग थे? 5 थे। लेकिन मैंने अभी बताया था कि वर्तमान में, अभी जो कल का वीडियो बताया था उसमें कितने संभाग बताए आपको, संभाग है कितने संभाग है भाई? 7 संभाग हो गए। अब आपको पूछ ले कि उस टाइम कितने संभाग थे? 25 संभाग थे ना। उस 25 संभाग में कितने जिले थे भैया? तो कितने जिले थे उस टाइम, कितने जिले थे? तो 25 जिले थे भैया, याद रखिएगा आप। उस समय कितने जिले थे? 25। लेकिन मेरे को आप ये बताओ कि वर्तमान में कितने जिले हैं राजस्थान में, वर्तमान में कितने जिले आते हैं, फटाफट बताओ मेरे को। तो कितने जिले आते हैं? बहुत बढ़िया, कितने आते हैं जी? 33। वेरी गुड। तो याद रखिएगा कि जब संभागीय व्यवस्था चालू हुई थी 1949 में चालू हुई थी, उस समय जो संभाग थे उनकी संख्या कितनी थी? 5। देखो साथ साथ में बोलेंगे ना तब ज्यादा याद होगा आपको। तो संभागीय व्यवस्था उस समय कितनी थी? 5। और वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में कितनी है फटाफट बताओ मेरे को, वर्तमान में 7 है। उस समय जो जिलों की संख्या कितनी थी? 25। और वर्तमान में जिलों की संख्या है 33। वेरी गुड, वेरी गुड। अब बात यह करते हैं कि सर उस समय आप बता रहे हो कि उस समय क्या 25 थे, तो अब ये जो 5 संभाग है, आज जो वर्तमान में कितने संभाग हो गए? 7 हो गए। तो अब 6 नंबर का और ये लो 7 नंबर का, तो ये 6 नंबर और 7 नंबर का ये कौन से संभाग नए बना दिए? तो ये जो 6, ये 6 और 7 नंबर का जो संभाग है वो कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा, ये तो 6 नंबर का तो बनाया गया अजमेर, और 7वें नंबर का बनाया गया कौन सा? भरतपुर। ठीक है जी, तो आपको याद हुआ या नहीं हुआ? तो याद रखिएगा 6 नंबर का कौन सा बनाया गया? अजमेर बनाया गया। और 7वें नंबर का कौन सा बनाया गया? भरतपुर बनाया गया, याद रखिएगा आप। तो पहले कितने थे? 5। और वर्तमान में कितने हो गए? 7 हो गए। हाँ जी, बहुत बढ़िया, 7 हो गए। हाँ जी, बहुत बढ़िया। अब देखो ये दोनों क्या है जी, कैसे हैं ये? हाँ जी बताओ, नवीनतम है भैया ये, कैसे हैं? नवीनतम संभाग है ये, लो जी। तो पूछ ले कि जो नवीनतम संभाग है वो कौन से हैं? अजमेर और भरतपुर है। और पहले कितने थे? 5 हो गए। और इनमें कितने कितने जिले आते हैं वो मैंने आपको ट्रिकिक जो वीडियो था हमारा कल का उसमें बताया है, और जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो वो पहले जाके उस वीडियो को भी देखे ताकि ये भी आपको ज्यादा समझ में आ सके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो
यहां से बात करते हैं, नोट लगा के मैं बात कर देता हूं कि क्या बात हुई थी। देखना यहां से कि 1 नवंबर, कब 1 नवंबर 1956 में, यानी 1 नवंबर 1956 में, हाँ जी वेरी गुड, यहां पे क्या बनाया गया था, अजमेर बनाया गया था। क्या बनाया गया था? अजमेर। अब ये जो अजमेर है, याद रखिएगा अजमेर है, इसको क्या कर दिया गया था, अलग कर दिया गया था। लेकिन अजमेर ने कहा कि भैया मैं तो अकेला जिला बन के नहीं रहूंगा, मैं अकेला क्या नहीं बन के रहूंगा, जिला बन के नहीं रहूंगा, मुझे तो क्या बनाओ आप, संभाग बनाओ। तो अजमेर को क्या बना दिया गया, संभाग बना दिया गया। क्या बना दिया गया? संभाग बना दिया गया। याद रखिए कब बनाया गया, 1 नवंबर 1956 में बनाया गया। किसको? अजमेर को संभाग बनाया गया। आपके क्वेश्चन आ जाए कि जो अजमेर है इसको कौन से जो संभाग से अलग करके बनाया गया था, तो याद रखिएगा आप कि अजमेर को जयपुर संभाग से अलग किया गया। तो अजमेर को किससे अलग किया गया? जयपुर संभाग से अलग किया गया था। बोलो याद, आपको याद हो रहा है या नहीं हो रहा? यदि हो रहा है तो थम का निशान करके मेरे को फटाफट भेजो आप। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, इसी प्रकार से आप लगे रहो और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करो, शेयर करो। शेयर करना मत भूलो। जितने बच्चे इस प्लेटफॉर्म पे आएंगे ना, उतना ही फायदा आप लोगों को भी होने वाला है, ठीक है ना? बहुत बढ़िया। और आप लोग वैसे ही दिल से सपोर्ट करते हो, मुझे पता है। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप, यदि आपको पसंद आ रहा है तो आप इसको शेयर करना जरूर कीजिएगा इसको, ठीक है जी? तो यहां तक आपको, बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? अब देखो यहां से क्या होता है, वो बात सुनो। अब यहां से अजमेर बना दिया गया, लेकिन अजमेर 6 बने। लेकिन इसके बाद में क्या होता है कि जो जिला प्रशासन का सीधा संबंध राज्य प्रशासन से होने लग गया। याद रखिएगा, देखो एक बार आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट ले लो यदि आपको, हां जी ले लिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट ले लिया ना, बहुत बढ़िया। हां जी देखो आगे चलते हैं। अरे बहुत ही शानदार वीडियो है, और जो एक बार इस प्लेटफॉर्म पे आ गया ना, तो वो मतलब बाहर मत जाओ, इसको पूरा वीडियो को पूरा वॉच करो, आप पूरा देखो, तब जाके आपको समझ में आएगा और मजा भी आएगा। क्या आएगा? समझ में भी आएगा और साथ साथ में मजा भी आएगा। याद रखिएगा, अब देखो जिला प्रशासन का सीधा संबंध राज्य प्रशासन से हो गया। अब क्या हुआ, कब, जब किसका, जिला प्रशासन का संबंध किससे हो गया, सीधा डायरेक्ट किससे हो गया, राज्य प्रशासन से हो गया। तो अब यहां पे क्या नहीं, जो संभाग है उनकी ज्यादा जरूरत नहीं महसूस हुई। कि आपको पता है कि जब जिलों का सीधा संबंध राज्य प्रशासन से हो गया तो संभागों की जरूरत ही क्या पड़ी। तो ये सोचकर, हाँ जी वेरी गुड वेरी गुड, ये सोचकर क्या हुआ कि जो संभाग है उनको क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। और ये कब हुई ये व्यवस्था, जिला प्रशासन का सीधा संबंध राज्य प्रशासन से कब हुआ ये बताइएगा। तो ये हुआ 1962 में, याद रखिएगा कब हुआ, 1962 में हुआ। और यहीं पे जो प्रशासन, जो संभागीय व्यवस्था है उसको बंद कर दिया गया। संभाग जो व्यवस्था है बंद कर दी गई। और बंद कब कर दी गई, यह कर दी गई 1962 में। भाई 1962 में जो संभागीय व्यवस्था है इसको बंद कर दिया गया। और यह किसके द्वारा किया गया, उस समय राजस्थान का जो मुख्यमंत्री था वो कौन था, फटाफट बताओ। 1962 में राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन था जिसके द्वारा संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया गया, फटाफट बताओ मुख्यमंत्री कौन था। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मोहनलाल सुखाड़िया। कौन था? मोहनलाल सुखाड़िया।
जो मोहनलाल सुकाडिया हैं, ये हमारे क्या थे उसमें सीएम यानी मुख्यमंत्री थे। याद रखिएगा कि जो संभागीय व्यवस्था है इसको बंद कर दिया गया, और बंद कब कर दिया गया, 1962 में कर दिया गया। किसके द्वारा किया गया, मोहनलाल सुकाडिया के द्वारा कर दिया गया। कारण क्या था, क्योंकि इनका जो क्या हुआ कि जो जिला प्रशासन है उनका सीधा संबंध किससे हो गया, राज्य प्रशासन से हो गया, इसलिए संभागों की जो आवश्यकता है वो कम महसूस हुई। संभागीय व्यवस्था की जो आवश्यकता है वो कम महसूस होने की वजह से मोहनलाल सुकाडिया ने 1962 में संभागीय व्यवस्था को क्या कर दिया, बंद कर दिया या खत्म कर दिया। एक बार याद रखिएगा, इतनी बात बोलो याद हुई या नहीं हुई। हाँ जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ जी, अब देखो बात करते हैं, पुनः वापिस चालू हुआ, पुनः प्रारंभ किया गया। पुनः प्रारंभ कब किया गया बताओ, 15 जनवरी। बहुत बढ़िया, 15 जनवरी 1987 में क्या हुआ, इसे पुनः प्रारंभ कर दिया गया। किसको, संभागीय व्यवस्था को वापस चालू किया गया, पुनः प्रारंभ किया गया। कब किया गया, 15 जनवरी 1987 को इसे प्रारंभ कर दिया गया। और उस समय जो सीएम थे वो कौन थे, 1987 में जो सीएम थे राजस्थान के, तो वो कौन थे, फटाफट आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। हाँ जी, हरिदेव जोशी, वेरी गुड। कौन थे, हरिदेव जोशी। जो हरिदेव जोशी थे वो हमारे क्या थे भैया, सीएम थे। कब थे, 1987 में हमारे सीएम थे। और इन्होंने क्या किया, प्रारंभ कर दिया। किस चीज का प्रारंभ कर दिया, जो संभागीय व्यवस्था है इसको वापस प्रारंभ कर दिया। और प्रारंभ करने के पीछे भी रीजन था, और अब यहाँ पे क्या बना दिया गया, एक नए संभाग की व्यवस्था कर दी गई, और उस संभाग का नाम है भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग, अब ये जो भरतपुर संभाग है इसको बना दिया गया। जो नवीनतम जो संभाग बनाया गया वो कौन सा बनाया गया, वेरी गुड, भरतपुर संभाग बना दिया गया। और भरतपुर संभाग ये कौन से नंबर का संभाग बना, ये सातवां संभाग बना। कौन सा, सातवां संभाग बना, वेरी गुड। बहुत बढ़िया तरीके से आप पढ़ रहे हो। तो जो भरतपुर है ये कौन सा संभाग बना, सातवां संभाग बना। कब बना, 15 जनवरी 1987 में बनाया गया। लेकिन अजमेर वाला कब बनाया गया बताओ फटाफट, अजमेर कब बनाया गया, जो नया संभाग बनाया अभी मैंने बताया है कि अजमेर कब बनाया गया था। बहुत ही बढ़िया, हाँ जी बताओ बताओ फटाफट बताते रहो, आपको मैंने अजमेर वाला बता दिया था। हाँ जी बहुत बढ़िया, हाँ जी हाँ जी बहुत बढ़िया। यहां से बात हुई या नहीं हुई बोलो, 1 नवंबर 1956 को, बहुत बढ़िया। तो अजमेर बनाया गया था, यहां तक की बोलो क्लियर हुई या बात नहीं हुई। यदि क्लियर हो रही है तो फटाफट थंब का निशान करके मेरे को भेजो। बहुत बढ़िया, अब देखो ये जो भरतपुर संभाग है ये सबसे कैसा है, नवीनतम है भैया, नवीनतम संभाग है। कैसा संभाग है, नवीनतम संभाग है। तो पूछ लिया जाए कि राजस्थान में कितने संभाग है, 7 संभाग है वर्तमान में, और सबसे नवीनतम या सबसे लास्ट में कौन सा संभाग बना, तो कौन सा बना, भरतपुर संभाग बना, याद रखिएगा। और पहले प्रारंभ में कितने संभाग थे, 5 संभाग थे, वर्तमान में कितने हैं, 7 संभाग थे। जब 5 संभाग थे प्रारंभ में तो उस समय कितने जिलों की संख्या कितनी थी, 25 थी, और वर्तमान में कितनी हो गई, 33 हो गई। बोलो याद हुआ या नहीं हुआ, यदि हुआ तो आप मेरे को फटाफट किसका निशान भेजो, थम का निशान करके मेरे को भेजो, फटाफट भेजो भैया। और इसी तरह से इसी जोश के साथ आप पढ़ते रहो, और अपनी आपकी जो एग्जाम है वो बिल्कुल क्या होगी, आपकी सक्सेस होंगे उस एग्जाम में। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी गुड इवनिंग गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे क्या कर रहे हैं, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। तो मजा आ रहा है ना आपको पढ़ाई करने में, आ रहा है या नहीं आ रहा, बोलो फटाफट मेरे को बताओ, मजा आ रहा है ना, बस मजा आएगा, बोल दिया ना, लास्ट तक बने रहो, मजा आएगा। और एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, ये गारंटी है। एग्जाम में मुस्कुराओगे आप, जब आपके यहां से क्वेश्चन आ जाएंगे ना तो आपको ऐसे लगेगा यार क्या चीचू क्वेश्चन पूछ रहा है, मजे आ गए, और आराम से मुस्कुराओगे। और पास पास वाले क्या करेंगे, भैया बताओ बताओ बताओ, लेकिन आपकी क्या है, मुस्कुराते रहना, बस यही चाहता हूं आपकी जुबान पे क्या रहे, मुस्कुराते रहो। जो आपको पता है चीचू तो चीचू ही होते हैं। तो फटाफट आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट लो, फटाफट ले लो।
चलो ले लिया होगा आपने, बहुत बढ़िया। अब यहाँ से करते हैं, एक एक को हम डिटेल से पढ़ते हैं, ठीक है ना। जितने भी हमारे संभाग, कितने हैं, 7 संभाग हैं, उनको हम क्या करते हैं, डिटेल से पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, यहाँ हमारे राजस्थान का जो मानचित्र है वो बनाते हैं, ठीक है ना। तो आप देखिएगा, एक बार छोटा सा ही मैं बना देता हूँ, बड़ा नहीं बनाऊंगा, छोटा बनाता हूँ थोड़ा। तो जैसा बनता है ना भैया, स्वीकार करना, आपका एक खुद का राजस्थान है, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। ये क्या बन गया आपका, राजस्थान, इट्स ओके, बहुत बढ़िया। देखो जैसा भी बनना है ना, दिल से स्वीकार करो, क्योंकि आपका ये राजस्थान है, खुद का राजस्थान है, याद रखिएगा यहाँ से। अब देखो, यहाँ से हम एक बात करने वाले हैं, और यहाँ से क्या बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम देखते हैं बीकानेर, ये लो। अब बीकानेर की यहाँ पे जो स्थिति है वो कहाँ पे है, ये यहाँ पे है, ठीक है जी। ये क्या हो गया हमारा बीकानेर, ये लो जी, ये बीकानेर हो गया हमारा, ठीक है। अब बीकानेर की बात करते हैं, तो यहां से बात करते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से हम बात करने वाले हैं बीकानेर की, ये लो। अब सबसे पहले बीकानेर के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले जो बात आती है तो क्या आती है, कि यहाँ पे जो नदियां है, जो सबसे कम नदियों वाला संभाग है, हाँ जी, वेरी गुड, यानी न्यूनतम नदियों वाला संभाग, न्यूनतम नदियों वाला संभाग। तो न्यूनतम जो नदियों वाला संभाग है वो कौन सा है जी, बीकानेर संभाग है। तो सबसे कम जहां नदियां बहती हैं वो संभाग कौन सा है, बीकानेर संभाग है, वेरी गुड वेरी गुड। और सबसे ज्यादा बात करते हैं, हाँ जी ऐसी, हाँ जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया, हाँ बता रहे हो, ऐसी जनसंख्या जो सर्वाधिक अनुपात में है, ऐसी जनसंख्या जो सर्वाधिक अनुपात में है, सर्वाधिक ऐसी जो जनसंख्या है वो सर्वाधिक अनुपात में कहां पे निवास करती है, बीकानेर में निवास करती है, बहुत बढ़िया, हाँ जी। अब न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है इसकी, न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा, यानी ये जो संभाग है ये न्यूनतम क्या बनाता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो बीकानेर में कोई हमें ज्यादा याद नहीं करना है, केवल नॉर्मल है। और देखो मैं यहां से ज्यादा नहीं बताऊंगा, आप जो बुक है आपकी, तो उन बुकों में पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं, तो मैं इतनी नहीं बताऊंगा, मैं केवल आपको आपकी एग्जाम पास करवाने के लिए बताऊंगा, कि उनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ठीक है ना। ज्यादा बताने से कोई फायदा नहीं हुआ होगा, तो इतना ही पढ़ना है जितना हमें एग्जाम में पढ़ने को मिलता है, ठीक है जी। ओ बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं हम किसकी, जोधपुर की, ये लो जी हमारा ये आ गया, कौन सा, बहुत बढ़िया, हाँ जी क्या आ गया, जोधपुर, ये लो जी, ये कौन सा है, जोधपुर, ये लो। अब जोधपुर के बारे में हम डिटेल से बात करते हैं, तो ये लो जी जोधपुर के बारे में, ठीक है जी, ये लो। यहां से हम बात करते हैं, डिटेल से बात करेंगे जोधपुर के बारे में। तो जोधपुर में सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर्वाधिक क्षेत्र वाला संभाग है, पहला ही पॉइंट क्या हो जाएगा, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग। सर्वाधिक क्षेत्र वाला संभाग कौन सा है, तो वो है जोधपुर, वेरी गुड। और सबसे कम वनस्पति पाई जाती है यहां पे, ये भी देखना, सबसे कम वनस्पति पाई जाती है, सबसे कम वनस्पति कहां पे पाई जाती है, जोधपुर संभाग में पाई जाती है, वेरी गुड वेरी गुड। और जनसंख्या का जो घनत्व है, हाँ जी कम है, कम जनसंख्या घनत्व है, कम जनसंख्या घनत्व है। अब मेरे को एक बात बताओ,
यहाँ से हम राजस्थान पढ़ते हैं तो राजस्थान में जोधपुर संभाग पढ़ते हैं, जोधपुर संभाग में क्या आ जाता है, जैसलमेर आ जाता है। तो ये क्षेत्र क्या है कि सूखे क्षेत्र हैं, तो इनमें क्या है, इनका क्षेत्रफल बड़ा होगा या नहीं होगा, एक नॉर्मल सी बात है, इनका क्षेत्रफल में ये बड़ा है। दूसरी बात है, ये मरुस्थल है तो वनस्पति तो भैया कम होनी होनी है, और यहाँ पे सूखा होने की वजह से आम जो आबादी है वो कम होगी या ज़्यादा होगी, आबादी कम ही होगी, नॉर्मल सी बात है। तो यहाँ पे जो कम जनसंख्या का घनत्व, हाँ जी बहुत बढ़िया बात है, हाँ जी, और जो यहाँ पे जो साक्षरता दर है वो भी कमी होगी, क्योंकि लोग कम निवास करेंगे तो साक्षरता दर भी कितनी होगी, बहुत ही कम होगी, वेरी गुड। तो यहाँ की साक्षरता दर कितनी है, हाँ जी ये लो 59.7% साक्षरता दर है भैया, कमी है। तो इनकी जो साक्षरता दर है वो भी किसकी है, जोधपुर की, बहुत ही कम है। हाँ जी बहुत बढ़िया, आप सब लोगों के मेरे को कमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, बहुत बढ़िया है, आप इसी तरह से पढ़ते रहिए, आपको एग्जाम में कोई भी रोकने वाला नहीं है। हाँ जी अगली बात करते हैं, हाँ जी देख रहा हूं मैं आपके सभी के कमेंट्स देख रहा हूं, हाँ जी सर्वाधिक क्या लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, सर्वाधिक क्या लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है किसके साथ, जोधपुर संभाग के साथ सर्वाधिक जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है वो किसके साथ लगती है, हाँ जी जोधपुर संभाग के साथ, और सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बीकानेर संभाग के साथ, बहुत ही बढ़िया। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर, तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वो कहाँ की है, जोधपुर की है। तो इस प्रकार से हमने दो देखे, बीकानेर संभाग और दूसरा जोधपुर संभाग। बोलो यहां से तो कोई कंफ्यूजिंग नहीं रहेगी ना आपके, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया है। आप देखो यहां से बात करते हैं अगली किसके बारे में, हाँ जी बहुत बढ़िया, ये लो ये कौन है, ये लो ये हो गया अजमेर, कौन सा अजमेर, कौन सा हो गया भाई, अजमेर हो गया। अभी इसकी बात करते हैं अजमेर की हम, बहुत ही बढ़िया, हाँ जी अजमेर की बात करते हैं तो अजमेर को इधर लिख देते हैं, थोड़ी जगह खाली है हमारे पास, तो ये लो ये कौन सा है अजमेर। तो अजमेर की क्या खासियत है, अब देखो सबसे पहले तो ये क्या है, राजस्थान के बीचों बीच स्थित है, बहुत बढ़िया, तो यानी मध्यवर्ती संभाग है, मध्यवर्ती का मतलब होता है ये राजस्थान के मध्य में या बीच में स्थित है, तो मध्यवर्ती संभाग है। मध्यवर्ती संभाग है, कौन सा संभाग है भैया, तो मध्यवर्ती संभाग कौन सा है, अजमेर है, वेरी गुड। हाँ जी अब यहां से बात करते हैं न्यूनतम जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है इसकी लगती है, हाँ जी ठीक है, हाँ जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो यहां से बात करते हैं हमारा ये क्या आ गया, जयपुर आ गया, जयपुर की भी करें ना, हाँ जी ये लो जयपुर, ये लो जयपुर आ गया, जयपुर, तो जयपुर की यहां कर लेते हैं बात, छोटी छोटी बातें हैं, जयपुर में भी कोई ज्यादा खास बात नहीं है, ठीक है जी, हाँ जी। अब देखो जयपुर के बारे में एक खास बात आती है, जयपुर के बारे में एक खास बात क्या आती है कि जयपुर के बारे में ये कहा जाता है कि राजस्थान का एकमात्र कौन सा संभाग है जिसमें कम जिले है, यानी 5 जिले शामिल है, तो कौन सा है एकमात्र, हाँ जी एकमात्र संभाग है जिसमें कितने जिले हैं, 5 जिले शामिल है, एकमात्र संभाग जिसमें 5 जिले हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि राजस्थान का एकमात्र संभाग कौन सा है जिसमें 5 जिले शामिल हैं, तो वो कौन सा है जी, जयपुर है, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। बात करते हैं यहां पे सर्वाधिक साक्षरता दर है, क्या है जी, हाँ जी सर्वाधिक साक्षरता दर, बहुत ही बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया, हाँ जी सर्वाधिक साक्षरता दर है
सर्वाधिक साक्षरता दर है। तो जयपुर की जो जयपुर संभाग है उसकी क्या है, सर्वाधिक साक्षरता दर है। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, और सर्वाधिक यहां जनसंख्या निवास करती है, सर्वाधिक जनसंख्या है यहाँ की, सर्वाधिक जनसंख्या भी यहाँ की है। तो जयपुर के बारे में हमें तीन बातें मोस्टली याद रखनी है कि राजस्थान का ऐसा संभाग कौन सा है जिसमें पांच क्या है, जिले शामिल है। याद रखिएगा, पांच जिले शामिल किसमें है, जयपुर में है, ठीक है। बात करते हैं कि इसके जयपुर के बारे में है, यह एकमात्र जिला है जिसमें पांच जिले शामिल है। सर्वाधिक साक्षरता दर कौन से संभाग की है, जयपुर संभाग की है। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ निवास करती है, जयपुर संभाग में निवास करती है। बोलो इतना याद हुआ या नहीं हुआ, बहुत ही बढ़िया। अब कर लेते हैं जो भरतपुर है, भरतपुर की बात कर लेते हैं, यहाँ पास में है इसलिए भरतपुर। और भरतपुर क्या है, सबसे नवीनतम है। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया, ये यहाँ पे कर लेते हैं, ये लो यहाँ पे भरतपुर, ये क्या हो गया हमारा भरतपुर, ये लो, ये जो भरतपुर है इसकी बात कर लेते हैं। तो भरतपुर क्या है, सबसे नवीनतम क्या है, संभाग है। सबसे नवीनतम संभाग है वो कौन सा है, भरतपुर है, ये मैंने अभी अभी आपको बताया जी। हाँ जी, बहुत बढ़िया, सबसे नवीनतम संभाग, सबसे नवीनतम संभाग है, सबसे क्या है, ये नवीनतम संभाग है। बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, अब बात कर रहे हैं किसकी, भरतपुर की बात कर रहे हैं। और पहले मेरे को ये बताओ कि भरतपुर का है, ये भरतपुर कब बना था संभाग, फटाफट आप कमेंट्स करो मेरे को। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया, हाँ जी, बहुत ही बढ़िया, आंसर आने लग गए आपके। हाँ जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी, अभी यहां पे एक और बात करते हैं, यहां का लिंग अनुपात है वो कम है, लिंग अनुपात किस कैसा है, कम लिंग अनुपात है, क्षेत्रफल में सबसे छोटा है, छोटा संभाग है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग भी कौन सा है, भरतपुर ही है। बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया। और भरतपुर है, इनकी जो सीमा है, हाँ जी, तीन राज्यों से लगती है। इसकी सीमा कितने राज्यों से लगती है, तीन राज्यों से, तीन राज्यों से इसकी क्या लगती है, सीमा लगती है। कितने राज्यों से, तीन से लगती है। किस किस से लगती है बताओ मेरे को। हाँ जी, हरियाणा से लगती है, बहुत बढ़िया, यूपी से लगती है और एमपी से लगती है। हरियाणा, हरियाणा, यूपी और एमपी, इनसे क्या लगती है, इसकी सीमा लगती है। बहुत ही बढ़िया बात है। अब बात करते हैं जी किसके बारे में, कोटा के बारे में। कौन सा, कोटा, ये लो हमारा, ये यहां पे क्या है जी, ये लो कौन सा है, कोटा, कौन सा है, कोटा। तो इसके बारे में हम बात करते हैं, ये लो यहां से कर लेते हैं कोटा के बारे में। तो कोटा के बारे में सबसे बढ़िया जो बात है वो कौन सी बात है, हाँ जी, ये सर्वाधिक नदियों वाला क्या है, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है, तो वो है कौन सा, कोटा। याद रखिएगा कि सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है, कोटा है। बहुत ही बढ़िया, हाँ जी, आपके जवाब आ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, और जनसंख्या की दृष्टि से भी ये क्या है जी, बहुत ही बढ़िया है। हाँ जी, जनसंख्या की दृष्टि से यानी सबसे कम जनसंख्या यहां पर निवास करती है, जनसंख्या की दृष्टि से छोटा है, कैसा है जी, छोटा है। तो इसके बारे में केवल दो ही बातें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, अब बात करते हैं किसके बारे में, अब हमारा बच गया है केवल कौन सा, उदयपुर। हाँ जी, कौन सा बच गया, उदयपुर के बारे में बात करते हैं। ये लो जी, ये हमारा क्या है, उदयपुर। देखो जी, अब देखो एक बार तो देखिएगा आप ही, कितने हो गए, देखो
एक दो तीन चार पाँच छः और ये लो सात। तो कितने संभाग हो गए हमारे, सात संभाग हो गए। तो उदयपुर के बारे में हम बात करते हैं छोटी बहुत, जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, नॉर्मल है, तो आपको ये बात याद रखनी चाहिए। सबसे पहली बात करते हैं कि सर्वाधिक लिंगानुपात है क्या है यहाँ पे, सर्वाधिक लिंगानुपात, सर्वाधिक लिंगानुपात है पहली बात हो, और यहां पे सर्वाधिक वनस्पति पाई जाती है, सर्वाधिक वनस्पति पाई जाती है, सर्वाधिक क्या पाई जाती है, वनस्पति पाई जाती है, वेरी गुड वेरी गुड। और यहां की जनसंख्या कैसी है, कार्यशील जनसंख्या है, जनसंख्या कैसी है, कार्यशील, कार्यशील का मतलब होता है यहाँ की जनसंख्या है वो कैसी है, मेहनत करने वाली है भैया, कार्यशील जनसंख्या है। हाँ जी, और सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा लगती है, सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा लगती है, सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा लगती है, सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। ये किसके बारे में पढ़ रहे हैं, उदयपुर के बारे में। और ये इधर तो देखो, ये वाला ये हिस्सा है ना, ये वाला और ये वाला, तो यहाँ पे इधर तो किसे लगती है, गुजरात से जी, जैसे गुजरात से। और इधर वाला कौन सा हिस्सा है, हाँ जी वेरी गुड वेरी गुड, हाँ तो कौन सा हिस्सा में लगती है, इधर एमपी में, बहुत बढ़िया। और इधर कौन सा है, एमपी। तो उदयपुर की है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, दो से लगती है, गुजरात से और एमपी से। तो सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो अंतरराज्यीय सीमा लगती है, सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा लगती है, तो वो किसके साथ लगती है। हाँ जी, तो ये बात आपको क्लियर हुई या नहीं हुई, फटाफट आप क्या करो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो भैया, ठीक है जी, ले लो। ठीक है जी, देखो ये यहां से अंतरराज्यीय करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो बहुत ही अच्छी तरीके से, शानदार तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। और इस प्रकार से हमारा क्या हो जाता है, ये जो हमारा साक्ष, ये जो संभाग है राजस्थान के, संभाग है सात हैं, इनके बारे में हमने टोटल डिटेल से बात की है। और जो एग्जाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है चैप्टर है, वही मैं यहाँ पे बात बताई है, जो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा बातें मैंने नहीं बताई है, जो एग्जाम की दृष्टि से हमारे जो पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ही मैंने बताए हैं, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं बताई है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा, यदि आपको ये वीडियो ज़्यादा पसंद आया है, तो आप इसे क्या करें, लाइक करते रहिए, और लाइक करके ही जाना आप सभी बच्चों को। और जो नए बच्चे आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और सभी बच्चे एक बार इस चैनल को क्या करें, शेयर जरूर करें, जितने भी आपके सोशल मीडिया में हैं, जितने भी आपके व्हाट्सएप पे आप ग्रुप हैं उनमें डाल दो, फेसबुक आईडी पे डाल दो, जहां कहीं भी आपका मन करे ना, जरूर एक बार इसको शेयर करो, ताकि ये वीडियो हर बच्चे के पास पहुंच सके। तो थैंक यू, जय हिंद जय भारत।